हेलो दोस्तों, आर्यंस अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भूताहा कहानियां, रहस्यमय घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। समीर को लखनऊ से वाराणसी आना था। ट्रेन का शेड्यूल टाइम वाराणसी पहुंचने का रात 11 बजे का था और ट्रेन में जब उसकी आंख खुली तो रात के 2 बज रहे थे। इसका मतलब कि जिस स्टेशन पर उसे उतरना था वो बहुत पहले ही निकल गया था। पर उसकी जान में जान तब आई जब उसने देखा कि इस वक्त ट्रेन रुकी हुई थी और वो भी किसी स्टेशन पे। समीर ने अपना सारा सामान उठाया और ट्रेन से उतर गया। उसके उतरते ही ट्रेन भी चल घना कोहरा था और स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ना तो कोई दुकान और ना ही कोई इंसान नजर आ रहा था। उसी कोहरे में समीर प्लेटफॉर्म के आखिर तक गया। एक पुराना बोर्ड था जिस पर उस जगह का नाम लिखा था कब सिटी। जान में जान आई कि बनारस से सिर्फ 50-60 किलोमीटर ही दूर था। स्टेशन पर कोई नजर नहीं आ रहा था, इसलिए समीर ने स्टेशन से बाहर निकलकर देखा तो यहां भी वही प्लेटफॉर्म वाला नजारा ही था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा और उस अंधेरे में आती झिंगुरों और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। मरता क्या ना करता, वापस स्टेशन जाकर वहीं पर समीर ने अपना बैग खोला और चादर निकालकर जमीन पर बिछाई और कंबल लपेट कर बैठ गया। सर्दी और कोहरा धीरे धीरे इतना पड़ गया कि अब वो उसके बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। समीर वहीं लेट गया और इस बार उसने कान भी पूरी तरह से ढक लिए थे। सर्द हवाएं मानो उस कंबल को चीरती हुई अंदर घुस रही थी। धीरे धीरे पूरा बदन कांपने लगा। लेटे हुए मुश्किल से 10 मिनट ही हुए होंगे कि समीर को एक आवाज सुनाई थी। समीर ने कंबल चेहरे से हटाया तो देखा उसके अगल बगल कोई नहीं था, बस चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। समीर वापस अपने कानों तक कंबल ओढ़ के लेट गया। तकरीबन कुछ 10 मिनट के बाद फिर से वही आवाज आई। इस बार कंबल से चेहरा हटाया तो देखा एक आदमी हाथ में झाड़ू लिए प्लेटफॉर्म की सफाई कर रहा था। समीर ने उसे पूछा, भाई साहब यहां से बनारस की ट्रेन कितने बजे मिलेगी? उसने कहा, साहब सुबह 11 बजे से पहले कोई ट्रेन नहीं है अभी, और अगर रात गुजारनी हो तो यहाँ एक सरकारी सर्किट हाउस है, वहीं रुक जाइए रात को। प्लेटफॉर्म पर रात गुजारने से तो अच्छा था कि किसी सरकारी गेस्ट हाउस में ही चला जाए, पर यही सोचकर उसने कहा, तो कितनी दूर है ये सरकारी गेस्ट हाउस? उसने समीर से कहा, ज्यादा दूर नहीं है, चलिए मेरे साथ। और फिर साइकिल पे बिठाया और उसी कोहरे में धीमे धीमे चलाता हुआ चला जा रहा था। समीर साइकिल पे पीछे बैठा था लेकिन उसके बावजूद ठंडी हवाएं उसके सीने से यूं टकरा रही थी मानो जैसे साइकिल चला रहा वो आदमी वहां था ही नहीं। घने अंधेरे और कोहरे में कच्ची सड़क पे सिर्फ झिंगुरों की और रह रहे के उस आदमी के साइकिल के पेडल मारने की आवाजें आ रही थी। हल्की सी रोशनी में समीर ने देखा कि वो आदमी पैर नहीं चला रहा था लेकिन पैडल मारने की आवाज बार बार आ रही थी। समीर की जब ट्रेन में आंख खुली तो वो अपने स्टेशन से बहुत दूर आ गया था। एक अनजान स्टेशन पर उतरने के बाद समीर को प्लेटफॉर्म पे ही एक आदमी मिला जिसने उसे बताया कि वो अगर चाहे तो आज की रात यहाँ के गेस्ट हाउस में गुजार सकता है। और फिर अपने साथ साइकिल पे पीछे बैठाकर जब समीर को वो ले जा रहा था तो समीर का ध्यान उसके पांव पर गया जो चल ही नहीं रहे थे
और साइकिल की पैदल की आवाज बार बार आई जा रही। इसके पहले कि समीर रिएक्ट कर पाता, एक घर जैसी बिल्डिंग उसके सामने ही थी जिस पर एक पुराना बोर्ड लगा था और सिर्फ हाउस लिखा हुआ ही समझ आ रहा था। तसल्ली इस बात की थी कि अब रात आराम से कट जाएगी, लेकिन समीर को झटका तब लगा जब उसी आदमी ने पॉकेट से चाबियां निकालकर ताला खोला और दरवाजा खोल कर बोला, आइए साहब। समीर ने चौंकते हुए पूछा, चाबियां तुम्हारे पास कैसे आई? तो उस आदमी ने बताया, अरे साहब, गांव देहात का इलाका है, एक ही आदमी को दो काम दे दिए हैं सरकार ने, स्टेशन की साफ सफाई भी और ये सर्किट हाउस भी, दोनों मैं ही संभालता हूँ। घर के अंदर बल्ब की रोशनी में भी मानो जैसे अंधेरा ही था। पूरे घर में कहीं भी खिड़की नजर नहीं आ रही थी। फर्श की हालत देखकर लग रहा था जैसे वहां कई दिनों से साफ सफाई नहीं हुई हो। समीर को वैसे भी बस आज की रात ही बितानी थी, इसलिए उसने अपना कंबल लिया और सीधा सोने चला गया। नींद शायद आई ही होगी कि कानों में एक आवाज आई। कंबल हटाई तो वही केयर टेकर कमरे को साफ भी कर दे रहा था। समीर को जगा देख उसने कहा, मटन बना दूं, आप खाएंगे? समीर को भूख तो लगी ही थी, उसने भी हाँ कह दिया। वो आदमी किचन में गया और वहीं से चिल्ला के पूछा, अरे साहब, चाप खाएंगे या गोल बोटी? समीर ने कहा, कुछ भी चलेगा। और तभी एक आवाज आई। ऐसी आवाजें सुनकर समीर की भूख मर चुकी थी, पर फिर भी जिसने उसकी इतनी मदद की उसका दिल रखने के लिए हॉल में जाकर चेयर पे बैठा ही था खाने के लिए कि एक बंद दरवाजे से आवाज आई, समीर ने पूछा, ये क्या हो रहा है? जवाब किसी को भी डराने के लिए काफी था। अरे साहब, यहाँ भूत प्रेतों का साया है और कुछ नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं अभी संभालता हूँ। इतना कह के उस आदमी ने मटन एक प्लेट में अलग किया और दरवाजे के ताले को खोलकर प्लेट अंदर रखी और फिर से दरवाजा बंद किया। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी और जैसे ही वो आवाजें बंद हुई, खाली प्लेट दरवाजे के ठीक नीचे से वापस बाहर आई। ये सब देखने के बाद समीर ने आव देखा न ताव और अपना सारा सामान वहीं कमरे में छोड़कर दरवाजे से बाहर भागकर वहां रखी साइकिल उठाई और भागने लगा। साइकिल थोड़ा आगे जाकर डगमगाने लगी। साइकिल पर वजन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। समीर ने पीछे देखा तो केयर टेकर बैठा मुस्कुराता हुआ बोला, ट्रेन सुबह से पहले नहीं है मालिक, रात तो सर्किट हाउस में ही रुकना पड़ेगा। कड़ाके की ठंड में समीर को रात 11 बजे तक बनारस पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन 2 बजे जब नींद खुली तो किसी अनजान स्टेशन पर ट्रेन रुकी हुई थी। अगली ट्रेन वहां सुबह 11 बजे से थी, इसलिए एक आदमी के कहने पर वहां के गेस्ट हाउस में गया और वही आदमी वहां का केयर टेकर भी था। इस गेस्ट हाउस में समीर को बहुत सारी चीजें अजीब लगी और वो अपना सामान छोड़कर वहां से बाहर पड़ी साइकिल लेकर भाग गया। साइकिल धीरे धीरे भारी होती जा रही, पलट कर देखा तो वही केयर टेकर साइकिल की पीछे वाली सीट पर बैठा था और कह रहा था, ट्रेन सुबह से पहले नहीं है मालिक, रात तो सर्किट हाउस में ही रुकना पड़ेगा। ये देखकर समीर चीख पड़ा और इसी चीख से समीर की नींद टूटी। उसने देखा कि वो गेस्ट हाउस में ही था और उसकी चीख सुनकर वो केयर टेकर वहां दौड़ा दौड़ा आया। उसने पूछा, क्या हुआ साहब,
समीर के पास कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके, नहीं अब बस एक बुरा सपना देखा मैंने। ये सुनकर केयरटेकर ने कहा, अरे मालिक भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते, कुछ खाएंगे, मटन बना दूं। समीर को जैसे अपना सपना सच होता दिख रहा था, उसने कहा, नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, पर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है यहाँ। केयरटेकर ने कहा, अरे साहब कुछ ही घंटों की बात है, एक काम करता हूँ, मैं आपके कमरे में जमीन पे सो जाता हूँ और आप वहां पलंग पे सोइए, इससे आपको भी सुकून रहेगा। समीर ने भी हाँ कह दिया और वो केयरटेकर अपना बोरिया बिस्तर लेकर आया और वहां फर्श पर लेट गया। सोने के तुरंत बाद ही समीर की नींद फिर से उसी आवाज से टूटी जो इसके पहले भी कई बार उसकी नींद तोड़ चुकी थी। समीर ने कंबल हटाई तो खुद चौंक गया अपने बगल में केयरटेकर को सोता हुआ देख, और फिर उसे इस चीज ने और भी चौंका दिया कि वो पलंग पर लेटा था तो फिर वो फर्श पर कैसे पहुंचा। समीर ने चुपचाप अपना बैग उठाया और दबे कदमों के साथ कमरे से बाहर निकला। कमरे से निकलकर जैसे ही वो बाहर मेन हॉल में आया तो दरवाजे के अंदर से आवाज आई। समीर उस कमरे के दरवाजे को पार करते हुए आगे बढ़ा तो वैसी ही आवाज एक दूसरे कमरे से भी आई। एक एक करके समीर जितने भी दरवाजों के सामने से गुजर रहा था वहां से बस यही एक आवाज आ रही थी। इससे पहले कि समीर गेस्ट हाउस के बाहर निकलता कि पीछे से उस आदमी की एक आवाज आई, अरे साहब कहां चले, क्या हो गया हुजूर। 22 दिसंबर 2011 की रात, समीर की ट्रेन उसे 11 बजे बनारस पहुंचाने वाली थी, लेकिन जब आंख खोली तो घड़ी में 2 बजे थे और ट्रेन कपसेठी नाम की किसी जगह पर रुकी थी। सर्दी की रात उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर समीर को एक आदमी मिला जो उसे एक गेस्ट हाउस ले गया। उस गेस्ट हाउस में समीर के साथ बीती अद्भुत घटनाओं के बाद समीर दबे पांव वहां से भाग रहा था और गेस्ट हाउस के हर कमरे के दरवाजे से बस एक ही आवाज आ रही थी। समीर वहां से बस निकल नहीं वाला था कि पीछे से आवाज आई, अरे साहब कहां चले, क्या हो गया हुजूर। समीर पलट के बोला, मैं इस भूत बंगले में नहीं रुकना चाहता, मैं स्टेशन पे अपनी रात बिता लूंगा। समीर की बात सुनकर केयरटेकर बोला, पर साहब कुछ घंटे तो बिताए ही हैं आपने यहाँ, कुछ तो दे के जाना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे ही कोई नहीं जा सकता। समीर की आंखों में डर साफ झलक रहा था, वो जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहता था, इसने चिल्लाते हुए कहा, कितने चाहिए तुम्हें, 100, 200, 500, 1000, 2000 कितने चाहिए, सब ले लो मेरा, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। इस पे वो आदमी बोला, अरे मालिक 1000, 2000 से क्या होता है आज के जमाने में, कुछ और बात कीजिए तो समझ में भी आए हमें है? समीर को उसकी बात का कोई मतलब नहीं समझ आया। कुछ नजर आया तो अपनी आंखों के सामने बस बढ़ता हुआ अंधेरा और सिर्फ अंधेरा। कहां जा रहे हो मुझे छोड़ के? समीर पागलों की तरह चिल्ला रहा था, मुझे बाहर जाना है, मैं घर नहीं रह सकता, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो, क्या चाहिए तुम्हें मुझे, ले लो ना सब, मुझे निकालो यहां से, बाहर निकालो। इस बीच समीर को सिर्फ एक ही आवाज सुनाई थी और वो थी इस गेस्ट हाउस के मेन डोर के बंद होने की। कमरे के अंदर ना कोई खिड़की और ना ही वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई। तारीख 30
2011 किसी के दरवाजे को खोलने की आवाज आई। समीर ने दौड़कर अपने कमरे के दरवाजे को थपथपाया। उसकी लगातार कोशिश से सामने से एक आवाज आई। अब ये कैसी आवाज है? ये दरवाजे के बाहर तो ताला लगा है, फिर अंदर से कौन थपथपा रहा है? अगली आवाज इस घर के केयर टेकर की थी, जिसने कहा, अरे साहब पुराना घर है, भूत प्रेत बहुत है यहाँ, लेकिन जब तक मैं हूँ आप चिंता ना कीजिए। बहुत थके हुए हैं आप, भूख लगी होगी, मटन बना देता हूँ, खाएंगे ना? राजीव की पिछली 12 हॉरर स्टोरीज के किताबों ने बहुत अच्छा बिजनेस किया था। वो 13वीं किताब लिख रहा था जो अब तक की बेस्ट बुक होगी, ये उसका दावा था, और इसलिए वो 3 सालों से यहां पहाड़ों में आके बस गया था। और जहां वो ठहरा था वहां घर के ठीक पीछे एक झरना था। रात के अंधेरे में झिंगुर और बहते पानी की आवाज उसे ऐसा माहौल तैयार करके देती कि लिखने में मजा आता था। अपनी कहानियों के प्लॉट्स के लिए वो हर जगह की फिल्में देखता था, कहानियां भी बहुत पढ़ता था, क्या पता कहां से कौन सा आइडिया मिल जाए। ऐसे ही एक दिन रात को इंटरनेट पर सर्च करते वक्त एक स्टोरी दिखी जिसका नाम था डू नॉट एंटर। मैंने सोचा मजाक ही होगा, इसलिए वो आगे जाने ही वाला था कि दिमाग में एक ख्याल आया कि एक बार देख तो लूं। और डबल क्लिक करने पर एक पेज खुला, कंग्रेचुलेशंस, नाउ देयर इज नो वे आउट, आई एम इन द अदर रूम। ये देख राजीव मन ही मन सोच रहा था, मैंने भी कैसे बेवकूफों के जैसे इस पेज को खोल लिया। लेकिन हां, प्लॉट अच्छा है, इसे कहानी डेवलप हो सकती है। राजीव ये सोच ही रहा था कि ठीक तभी एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। ये आवाज बगल के कमरे से आ रही थी। राजीव धीमे धीमे बिना आवाज किए दूसरे कमरे में गया तो देखा वहां दीवार पर लिखा था, मैं घर के पीछे हूं। अक्सर जो लोग भूत प्रेत की कहानियां लिखते हैं बड़े ही दिलेर किस्म के होते हैं, राजीव भी उनमें से एक था। बेखौफ होकर राजीव ने घर का दरवाजा खोला और पीछे गया। रात के अंधेरे में बस झील के बहते हुए पानी की आवाज और साथ में झिंगुरों की आवाज और पहाड़ों पर तेज हवाएं जिस तरह का शोर मचाती है बस वैसी आवाजें आ रही थी। राजीव धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहा था। पीछे जाकर उसने देखा कि वहां एक गड्ढा खुदा था। पास जाकर देखा तो बिल्कुल जैसे किसी की कब्र खुदी हो। राजीव ने झुक के उसमें झांकने की कोशिश की तो किसी ने राजीव को पीछे से धक्का दिया। धक्का ऐसा था कि राजीव उस गड्ढे में गिर पड़ा और गिरते के साथ मानो पूरी दुनिया से उसका संबंध कट गया। झिंगुर, झरने की आवाज, हवा और ऐसी कई आवाजें एक ही साथ पूरी तरह से बंद हो गई। राजीव तुरंत उठ के खड़ा हुआ। वो सिर्फ उसका सर था जो गड्ढे से बाहर था, बाकी का बदन गड्ढे में ही था। अब उसे फर्क साफ समझ आ रहा था। वापस गड्ढे के अंदर गया तो आवाज फिर से बंद हो चुकी थी। राजीव फिर उठा तो आवाज दोबारा उसके कानों में पड़ी। राजीव अपनी हॉरर स्टोरी की प्लॉट की तलाश में इंटरनेट पर सर्च कर ही रहा था जब उसने डू नॉट एंटर नाम की एक फाइल पर क्लिक किया। इसे क्लिक करने के कुछ देर बाद ही दूसरे कमरे से आवाज आई। वहां जाकर देखा तो दीवार पर लिखा था, मैं घर के पीछे हूं।
घर के ठीक पीछे एक कब्र बनी हुई जिसमें किसी ने राजीव को रात के उस अंधेरे में धक्का दिया। बड़ी मशक्कत के बाद वो वहां से निकला तो सामने एक कुत्ता पूरी तरह राजीव को देखकर गुर्रा रहा था। इससे पहले कि राजीव कुछ कर पाता उसने राजीव पर झपट्टा मारा और सेल्फ डिफेंस में राजीव ने वहां पड़ी लोहे की रॉड से उस कुत्ते को पूरी तरह से मारा और तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया। कुत्ते के मरने के बाद राजीव ने उस कुत्ते को उसी गड्ढे में दफना दिया और वापस घर आकर देर रात ही अपने गंदे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालकर खुद नहाने चला गया। एक अजीब सी खुशी थी राजीव के चेहरे पर, उसे लग रहा था कि उसका नया प्लॉट धीरे धीरे अपने आप तैयार हो रहा है कि तभी दीवार पर एक आवाज सुनी। पलट कर देखा तो दीवार पर लिखा था, वेल डन, गुड नाइट। राजीव को अपनी कहानी का प्लॉट मिल चुका था और वो लिखने में ऐसा बिजी हुआ कि खाना पीना मोबाइल फोन सब भुलाकर बस 3-4 दिन लिखता गया। 3 दिन के बाद उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया घर पहुंच गई और राजीव पे चिल्लाने लगी, ये क्या हो गया है तुम्हें राजीव? ना फोन करते हो, ना फोन उठाते हो, ना शेव किया है, ना नहाते हो, पागल हो गए हो क्या? सोनिया की बातें सुनकर राजीव जैसे नींद से जागा। उसने आईने में अपना हुलिया देखा और फिर सोनिया के कहने पर फ्रेश हुआ और दोनों मूवी देखने गए। राजीव मूवी के बीच में ही उठकर वॉशरूम गया और वहां फिर से पलट के देखा तो वॉशरूम की दीवार पे लिखा था, घर के पीछे आज फिर मिलते हैं। राजीव पर जैसे घर जाने का पागलपन सवार हो गया, वो तुरंत घर की ओर भागा और इस बीच उसने सोनिया को मैसेज भी कर दिया कि एक अर्जेंट काम से उसे घर जाना पड़ रहा है। मैसेज पढ़ के सोनिया बहुत गुस्से में थी और राजीव के घर पहुंच गई। उसे वहां देख के राजीव का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। उसने कहानी लिखना छोड़ सोनिया से कहा, डोंट यू नो सोनिया कि मुझे कहानी लिखते वक्त कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। राजीव की बातें सुनकर सोनिया ने चिल्लाते हुए कहा, राजीव अगर ऐसी बात है तो इट्स ओवर, तुम रहो अपनी कहानियों की दुनिया में, डोंट यू एवर ट्राई टू गेट इन टच विद मी, समझे? सुनकर राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, नोबडी वुड कीप इन टच विद यू एनीमोर। और इतना कहते कहते ही उसने फ्लावर वास उठाकर सोनिया के सर पे जोर से दे मारा। राजीव जो एक हॉरर स्टोरी का राइटर था, उसने इंटरनेट पर एक डू नॉट एंटर नाम की कहानी पे क्लिक कर दिया था और उसके बाद से उसे कोई कमरे की दीवारों पे जमीन पे लिखकर बहका रहा था। इसी बहकावे में उसने एक कुत्ते को मार के अपने घर के पीछे दफना दिया था। राजीव की गर्लफ्रेंड सोनिया उस पर चिल्ला रही थी और उसने कहा, तुम रहो अपनी कहानियों की दुनिया में, डोंट यू एवर ट्राई टू गेट इन टच विद मी, समझे? सुनकर राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, नोबडी वुड कीप इन टच विद यू एनीमोर। और इतना कहते कहते ही उसने फ्लावर वास उठाकर सोनिया के सब पे जोर से और तब मारा जब तक सोनिया की पूरी तरह से सांसें नहीं रुक गई। सोनिया के शरीर को घसीटते हुए वो घर के पीछे वाले हिस्से में ले गया और गड्ढा खोदकर उसने सोनिया की लाश को गड्ढे में दफना दी। राजीव के चेहरे पर वो खतरनाक मुस्कुराहट वापस आ गई थी
कहानी बीच में ही रुक गई थी। अब उसे आगे बढ़ाने का वक्त आ गया था। घर में घुसकर उसने पहले पूरे घर को साफ किया और उसके बाद नहाने गया। वो नहा ही रहा था कि उसके कमरे का फोन बजा। फोन उसके दोस्त सैम का था, जिसने बहुत ज्यादा पी रखी थी। उसने राजीव से कहा कि वो इतने नशे में है कि घर नहीं जाना चाहता। तो राजीव ने कहा, यार तेरा ही घर है, आ जा। सैम जब राजीव के घर आया तो राजीव ने उसे बताया कि मेरे इस घर में भूत है जो मुझे मेरी कहानियों का प्लॉट बताता है। सैम नशे में था इसलिए ऐसी बातें सुनकर हंसने लगा। राजीव ने कहा, तुझे यकीन नहीं ना, तो चल मेरे साथ, देख दूसरे कमरे में दीवार पर क्या लिखा है। दोनों उस कमरे में गए जहां दीवार पर लिखा था, इसे यही मार दो। सैम और भी जोर जोर से हंसने लगा। तो राजीव ने कहा, तू पहला है यार जो ऐसे हंस रहा है, वो कुत्ता तो मुझे काट ही डालता। सोनिया, उसने भागने की बहुत कोशिश की पर मैंने जाने नहीं दिया। चली जाती मेरी कहानी का क्या होता, बीच में अधूरी तो छोड़ नहीं सकता ना यार, इसलिए उसे भी ना मुझे मारना पड़ा। अब ऑर्डर आया है तुम्हें मारने का, तो सॉरी यार, अब तुझे भी मरना पड़ेगा। सैम अब इन चीजों को मजाक में नहीं ले रहा था, धीरे धीरे उसका नशा उतरने लगा था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नशा इतना ज्यादा था कि उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। और तभी राजीव ने अपना क्रिकेट बैट लिया और सैम को मारना शुरू किया। ओहो, कितना खून बह रहा है यार, चल तुझे नहला दूं, उसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड और उस कुत्ते के साथ तुझे भी सुला दूंगा। इतना कहकर राजीव लाश को खींचता हुआ बाथरूम में ले गया और सैम की लाश को वो धो ही रहा था कि कमरे से आवाज आई। देखा तो दीवार पर लिखा था, गेट रेडी, अब तुम्हारी बारी है। राजीव हॉरर स्टोरीज लिखता था और इंटरनेट पर उसने एक लिंक पे क्लिक किया था जिस पर लिखा था, डू नॉट एंटर। इसके बाद शुरू हुई कई घटनाएं। दीवार पर लिखा था, गेट रेडी, इट्स योर टर्न नाउ। राजीव ने इसके पहले दीवारों पर लिखी ऐसी ही चीजों के कारण अपनी गर्लफ्रेंड, अपने फ्रेंड सैम और एक कुत्ते को मारा था। अब जब अपनी बारी आई तो उसने दीवार की तरफ ही देखते हुए विक्रम को फोन लगाया, जो उस इलाके का एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस भी था। उसके आते के साथ ही राजीव ने कहा, भाई मुझे मेरी हॉरर स्टोरी कंप्लीट करनी है, बहुत सॉलिड वाला प्लॉट मिला है इस बार, एकदम। डैमिट, मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड को मार दिया, ये कुत्ते को उसे भी मार दिया और इन दोनों की डेड बॉडी घर के पीछे दबा दी है। थोड़ी देर पहले सैम को भी मार दिया, लेकिन इस प्लॉट को कंप्लीट करने के लिए मुझे खुद को मारना पड़ेगा। खुद को कैसे मार सकता? तो मैंने तुझे बुला लिया है ना, ये ले मेरी बंदूक और मुझे मार दे, प्लीज मुझे मार दे, मुझे मार दे। विक्रम ने कहा, मुझे एक मिनट दे, मैं अभी बाहर से आया। बाहर जाकर विक्रम ने पुलिस फोर्स को इस ठिकाने तक आने को कहा और साथ ही एक एम्बुलेंस को भी।
विक्रम अंदर गया तो देखा राजीव खुद कमरे की दीवार पर कुछ लिख रहा था। उसने कहा, राजीव ये क्या कर रहे हो? तो राजीव ने कहा, एक्चुअली मरना तो मुझे था, और अब देखो ना दीवार पर उस आत्मा ने, उस आत्मा ने लिखा है कि पहले इसे मार दो। विक्रम, I'm sorry. अब तुम्हें मरना पड़ेगा। इतना कहते हुए राजीव ने उसके पास रखी बंदूक विक्रम पर तान दी और सेल्फ डिफेंस में विक्रम को राजीव पर गोली चलानी पड़ी। गोली बहुत नजदीक से चली थी इसलिए राजीव के बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब पुलिस जब मौके वारदात पे पहुंची तो राजीव ने जो बातें विक्रम को बताई थी उसके अनुसार घर के पीछे वाले हिस्से में खुदाई हुई और वहां से दो लाशें मिली। घर के बाथरूम से सैम की लाश बरामद हुई। तहकीकात में जब विक्रम ने राजीव के कंप्यूटर की तलाशी ली तो इंटरनेट हिस्ट्री में बहुत सारी वेबसाइट्स थी। एक एक करके उसने सारे पेजेस चेक किए और एंड में वो पेज मिला जिसका जिक्र राजीव ने किया था। उस पेज के टॉप में लिखा था, डू नॉट एंटर। विक्रम ने सारी बातें जानने के बावजूद उस लिंक पर क्लिक किया। स्क्रीन पर अब नेक्स्ट मैसेज था, कंग्रेचुलेशंस, नाउ देयर इज नो वे आउट, आई एम इन द अदर रूम। कुछ लोगों के लिए यहां सिर्फ रात होती है और उस रात की सुबह नहीं होती। इस जगह की हर दीवार, हर हवेली, हर मकान जो रातों रात खंडर बन गई, अपने आप में कई राज दबाए हैं। आज की कहानी इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ की कहानी है। लोग साल में एक बार तीर्थ स्थल जाते हैं पर मैं भानगढ़ जाता हूं। मेरी आखिरी विजिट को लेकर अब तक 13 बार जा चुका हूं भानगढ़, पर उस एक रात में मेरे साथ जो भी हादसे हुए उसके बाद कभी यहां दोबारा रात में आने की सोच भी नहीं सकता मैं। और वैसे भी रात को आना अलाउड नहीं है यहां। इस बार एक फिल्म डायरेक्टर से बात हुई जो भानगढ़ पे फिल्म बनाना चाहता था और फोटोग्राफ्स लेते लेते ही उसने कहा, क्या पता घर जाने के बाद इन्हीं तस्वीरों में कोई भूत दिख जाए। मैंने उसे बताया कि वो इस वक्त भी आपके अगल बगल में ही है, जब दिन के टाइम खुली आंखों से आप उन्हें नहीं देख सकते तो बंद तस्वीरों में क्या दिखेंगे वो जो यहां की हवाओं में सांसें लेते हैं। मेरी बातें सुनकर उसने पूछा कि आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं ये सारी बातें? जरूर आपने कुछ यहां एक्सपीरियंस किया होगा, अगर बता दें शायद मेरी फिल्म में काम आ जाए आपकी कहानी। मैंने उसे मेरी आप बीती बतानी शुरू करी। 16 दिसंबर की रात थी वो जब मैं भानगढ़ में छिपते छिपाते घुसा। रात के इस पहर में मैं यहां अकेला था और यहां की नेगेटिव एनर्जीज साफ तौर पे महसूस कर पा रहा था। मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि किसी के मेरे पीछे से दौड़ने की आवाज आई। पलट के देखा तो एक लड़की भागे भागे मेरी तरफ ही आ रही थी। मेरी नस नस अंदर तक ठंडी हो चुकी थी ये सोच के ये इंसान है या वो जो इस वक्त आप सोच रहे हैं। मेरी सांसों में सांसें तब आई जब वो लड़की मेरे ठीक बगल में आई और उसने हांफते हुए कहा, यहां भूत है, मैंने अपने वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड भी किया है, ये देखिए। वीडियो कैमरा में एक कमरे का वीडियो था जो नाइट मोड में शूट किया गया था। वीडियो में कुछ चीजें हिलती हुई साफ दिख रही थी और धीरे धीरे इस वीडियो से आती एक आवाज तेज होती जा रही थी।
और अब स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय दो आंखों के, जिसने कब चेहरे का रूप लिया पता ही नहीं चला। ये चेहरा उस लड़की से मिल रहा था जो मुझे ये वीडियो दिखा रही थी। मैंने जब अपने बगल में देखा तो वहां कोई लड़की नहीं थी और मेरे हाथों में उसका दिया हुआ वीडियो कैमरा अभी भी था और किसी की सांसों की आवाज मैं मेरे बगल में ठीक सुन पा रहा था। मैं मेरे भानगढ़ में हुए उस रात के हादसे के बारे में भानगढ़ में ही एक फिल्म डायरेक्टर को बता रहा था। उस रात जब मैं भानगढ़ के इस किले में घुसा तो मेरे बगल में कोई नहीं था, लेकिन किसी की सांसें लेने की आवाज बहुत जोर जोर से साफ साफ सुन पा रहा था। जिस चीज के लिए मैं यहां आया था शायद उसकी शुरुआत हो चुकी थी। मैंने वहां से सरपट दौड़ लगाई और जान मेरी गले में अटकी हुई थी क्योंकि कोई ठीक मेरे साथ साथ दौड़ रहा था। जब और नहीं हुआ तो मैं रुककर हांफने लगा। और ये देखकर कुछ सेकंड के लिए मेरी सांसें ही रुक गई जब वही लड़की मेरे बगल में छुपकर मेरे ही साथ हांफ रही थी। मैं चीखते हुए आगे की ओर भागा। मैं बस यहां से बाहर भागना चाहता था पर भानगढ़ का यह किला रात के अंधेरे में मानो मेरे लिए कोई भूल भुलैया बन चुकी थी। धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। भानगढ़ के चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, इसलिए यहां हवाएं एक अजीब सा शोर मचाती हैं जो किसी को भी डरा दे। मैंने एक कोना पकड़ा और चुपचाप वहां बैठकर अब बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था। मेरी आंखों के सामने मैंने देखा कि एक लड़की दौड़ती हुई सामने के कमरे से निकली और खिड़की के पास जाकर उसने वहां से छलांग लगा दी। दौड़ता हुआ उस खिड़की के पास गया। मुझे नहीं जाना चाहिए था, मैं नहीं जाना चाहता था, पर फिर भी मैं वहां गया। खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो वहां कोई लाश नहीं थी। मैं वापस जाकर अपनी जगह पर बैठना चाहता था पर मेरे कदम वहां से हिल नहीं पा रहे थे और खिड़की से बाहर लगातार एक ही आवाज आ रही थी। इससे पहले कि मैं वहां से भाग पाता कि पलक झपकते ही मैंने खुद को एक दूसरे कमरे में पाया। मैं वहां कैसे पहुंचा, किस तरह से पहुंचा, मुझे कुछ याद नहीं है। कमरे में अंधेरा था लेकिन तकरीबन 15-20 सेकेंड में चीजें हल्की हल्की दिखने लगी। सच कहते हैं लोग, यहां टेम्परेचर चुटकियों में बदलता है। कमरे में एक पल गर्मी, वो भी ऐसी जो पूरे शरीर को दर बदर कर दे, तो दूसरे ही पल ऐसी ठंड जहां मानो सर्द हवाएं शरीर के आर पार हो रही हैं। इस कमरे की सारी नेगेटिव एनर्जीज एक साथ में फील कर पा रहा था। तभी कमरे के एक कोने से आवाज आई मुझे, मेरी मदद करो, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, मुझे यहां से बाहर निकालो। मैं अपने भानगढ़ के एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा था एक फिल्म डायरेक्टर को जो खुद भानगढ़ पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। उनकी बहुत इच्छा थी यहां उन चीजों को देखने की जिसका जिक्र लोग अक्सर करते हैं। मैंने उनको बताया कि इस वक्त भी वो आपके अगल बगल ही हैं, लेकिन जब आप उन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते
तो ये कैमरे क्या दिखाएंगे आपको। मैंने आगे बताया कि भानगढ़ के जिस कमरे में रात के वक्त मैं अकेला था, वहां कोने से एक आवाज आ रही थी। प्लीज, मेरी मदद करो। प्लीज, प्लीज, मेरी हेल्प करो। मेरी मदद करो। मुझे मुझे यहां से बाहर निकालो। मैंने पास जाकर देखा तो बस इतना याद है कि किसी ने अपने नाखूनों से मेरी गर्दन पर छुरा मारा था। जख्म इतने गहरे हैं कि उसके निशान आज भी मौजूद हैं। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और वहां से भागने लगा। इस बार मैं अकेला नहीं भागा, मेरे पीछे पीछे कोई और भी भाग रहा था। पलट कर देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी, बस दौड़ते दौड़ते ही मेरे कदम लड़खड़ाए। सर पे बहुत जोर की चोट आई थी मेरे, मैं शायद वहीं बेहोश हो गया। अपनी बोझल होती आंखों के सामने मैं कई चेहरों को देख पा रहा था जो मुझे घूर रहे थे, और जब आंख खुली तो चारों तरफ घनघोर बारिश हो रही थी और मैं इस बारिश में इस किले की छत पर था। शायद मैं नींद में ही चल रहा था, क्योंकि मेरा एक कदम आगे बढ़ता और मैं सीधा इस किले से नीचे होता। कोई था जिसने मुझे मेरी नींद से जगाकर मेरी जान बचाई थी। ये थी मेरी कहानी जो उस रात मेरे साथ हुई थी। उसके बाद से मैं हर साल भानगढ़ आता हूं, पर बस दिन में। वो चेहरे आज भी मेरे सपनों में मुझे दिखाई देते हैं। मेरी पूरी बातें सुनने के बाद फिल्म डायरेक्टर ने कहा, कमाल का एक्सपीरियंस रहा है आपका। सच बताऊं, इन सीन्स को ना शूट करने में बड़ा मजा आएगा, पर कुछ लूप होल्स हैं जो मैं मेरी कहानी में भरकर इसे कंप्लीट कर दूंगा। मैंने पूछा कि आपके कहने का मतलब क्या है, तो मेरा सवाल सुनकर फिल्म डायरेक्टर ने कहा, देखिए आपकी कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आप भानगढ़ में घुसते हो और एक लड़की आपके पास दौड़ती हुई आती है, कहती है कि यहां भूत है, और आपको एक वीडियो भी दिखाती है। मैं अपनी फिल्म में दिखाऊंगा कि आपके यहां आने से एक दो दिन पहले, यानी कि 14 दिसंबर की रात, वो भी यहां आई थी भानगढ़ की कहानियों की सच्चाई जानने। उसने जो वीडियो दिखाया वो उसने सच में लिया था, लेकिन उस वीडियो को लेने के तुरंत बाद वो लड़की खुद भानगढ़ का हिस्सा बन गई थी। मेरी भानगढ़ की पूरी कहानी मेरे एक्सपीरियंस को सुनने के बाद फिल्म डायरेक्टर ने कहा कि आपके सारे एक्सपीरियंस पर मैं एक फिल्म बनाऊंगा, पर जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसमें कुछ लूप होल्स हैं जिन्हें मैं मेरी फिल्म में लॉजिकली दिखाऊंगा। जैसे आपने दौड़ते दौड़ते देखा कि एक खिड़की तक एक लड़की भागते हुए आई और खिड़की से कूद गई। मेरे पिक्चर में ये सीन मैं फ्लैशबैक में दिखाऊंगा जब भानगढ़ के इस किले पर मुगल्स ने हमला किया था। मुगल्स के हाथों से मरने से ज्यादा अच्छा होता कि लोग खुद की जान ले, इसलिए उस लड़की इस खिड़की से कूद कर अपनी जान दे दी और उसी की आत्मा यहां भटकती है जो आपने उस रात देखी। मैं मेरी फिल्म में दिखाऊंगा कि उस लड़की को खिड़की से कूदते हुए देखकर आप उस खिड़की के पास गए और तभी किसी ने पीछे से आपकी गर्दन को पकड़ा और घसीटते हुए उस कमरे में ले गया जहां से वो लड़की दौड़कर बाहर आई थी। तुम चाहकर भी अपनी गर्दन पीछे नहीं घुमा पाओगे, बस चिल्लाओगे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, मैं यहां नहीं रह सकता, मुझे छोड़ दो, कौन हो तुम, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। आपने
मुझे बताया था कि कमरे में आपको एक आवाज सुनाई दी थी। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, मुझे यहां से बाहर निकालो। मेरी पिक्चर में भी मैं ये सीन दिखाऊंगा, लेकिन पिक्चर में थोड़ा अलग रहेगा। ये आवाज सुनकर तुम उस आवाज के थोड़ा नजदीक जाओगे और मेरी पिक्चर में अब तक ये आवाज थोड़ी बदल चुकी होगी। और चेहरा ऐसा होगा जो एक बार देख लो तो कई रातों की नींद उड़ जाए। वहां तुम्हें एक औरत दिखाई देगी जो तुम्हें मुगल समझकर अपनी जान बचाने के लिए तुम पर झपट्टा मारेगी। उसी के नाखूनों से तुम्हारी गर्दन पर ये गहरे निशान होंगे। अपनी जान बचाने के लिए तुम यहां से भागे थे और तुम्हें लगा था जैसे कोई तुम्हारे ठीक पीछे पीछे दौड़ रहा था। मेरी फिल्म में आपके पीछे तीन लोगों को दिखाऊंगा। वो वीडियो कैमरा वाली लड़की, वो लड़की जिसने खिड़की से छलांग लगाकर अपनी जान दी थी, और वो जिसने तुम्हें मुगल समझकर अपनी आत्मरक्षा के लिए तुम पर झपट्टा मारा था। तुम्हारी बताई कहानी के अनुसार तुम लड़खड़ाकर गिरते हो और बेहोश हो जाते हो। मैं इस सीन में तुम्हारी बोझल होती हुई आंखों के सामने तीन चेहरे दिखाऊंगा। कौन से तीन चेहरे बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद दिखाऊंगा कि तुम्हें घसीटते हुए कोई छत पर ले जा रहा है। कौन ले जा रहा है ये नहीं दिखाऊंगा। Let there be some suspense. Cut to next scene. तुम्हारी आंख खुलती है तो तुम जैसे नींद से जागे हो, और एक कदम भी आगे बढ़ाते तो मौत की गोद में होते। मैं मेरी पिक्चर में दिखाऊंगा कि इस सीन में कोई तुम्हें सामने से पीछे की तरफ धक्का देता है। तुम जाकर वापस छत पर गिरोगे और वहां से भागते भागते इस बार तुम्हें बाहर का रास्ता मिलेगा। और तुम भानगढ़ के एंट्रेंस पर जो मंदिर है वापस वहां पहुंचोगे। बस यही एक कारण होगा जो तुम्हारी जान बचाएगा। मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। मैंने पूछा कि पर आपको कैसे पता चला कि मेरे साथ भी उस रात यही हुआ था कि किसी ने मुझे छत पर सामने से धक्का दिया था और मैं भागते हुए मंदिर तक पहुंचा था। ये आपको कैसे मालूम? पहले ये बताओ कि तुम्हें मेरी स्टोरी पसंद आई या नहीं। आप स्टोरी का छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आपको ये सब कैसे मालूम। अरे पहले बताओ तो सही कि तुम्हें कहानी पसंद आई या नहीं। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी कहानी, लेकिन आप मुझे बस इतना बताइए कि ये सब आपको कैसे मालूम। तुमने कहा था ना कि जो दिन के टाइम खुली आंखों से आप यहां नहीं देख सकते, उन्हें बंद तस्वीरों में कैसे देखोगे। तो मैं तुम्हें सिर्फ यही बताने आया था कि वो खुली आंखों से भी यहां दिखाई देते हैं। इस फिल्म डायरेक्टर की बातें सुनकर मैं हैरत में था, और इससे पहले कि मैं अपना कोई सवाल उनसे पूछ पाता, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पलटा तो वहां का कोई चौकीदार था। उसने कहा, अरे मालिक चलिए, दरवाजा बंद करने का टाइम हो गया है। उसकी बातें सुनने के बाद मैं वापस जैसे ही सामने की ओर पलटा, वो फिल्म डायरेक्टर वहां नहीं था इस वक्त। अब मुझे यकीन हो चला था कि यहां दिन के उजाले में भी वो दिखाई देते हैं, क्योंकि उसने मेरी कहानियों में जो जो कड़ियां जोड़ी थी, दरअसल उस रात वही वही घटनाएं मेरे साथ हुई थी। बस मैंने इनको विस्तार से बताया नहीं था।